नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस दौरान राजस्थान के चार नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और अलवर से भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल और अजमेर से भागीरथ चौधरी को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। इनमें भागीरथ चौधरी का नाम काफी चौंकाने वाला है क्योंकि वो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं बाकी के तीनों नेता मोदी कैबिनेट 2.0 में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं इन चार चेहरों के बारे में जिन्हें मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है। राजस्थान से जिन चार सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिल रहा है उनमें दो ओबीसी, एक दलित और एक सामान्य वर्ग से हैं। भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी ओबीसी, अर्जुन राम मेघवाल दलित, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव हराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत 7.5 साल से मोदी सरकार में मंत्री हैं। मोदी के पहले कार्यकाल में 2.5 साल बाद उन्हें कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था। बाद में मोदी के दूसरे कार्यकाल में उनको जल शक्ति मंत्रालय जैसा भारी भरकम विभाग दिया गया। संघ पृष्ठभूमि के शेखावत को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नजदीकी नेताओं में गिना जाता है। अलवर से सांसद चुने गए भूपेंद्र यादव मोदी शाह के बेहद करीबी हैं। वो मोदी कैबिनेट में पिछली बार भी राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। उनकी गिनती पार्टी के बेहतरीन संगठनकर्ता और रणनीतिकारों में की जाती है। उनके राजनीतिक और प्रशासकीय अनुभव को देखते हुए एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वो देश में ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है। भूपेंद्र यादव पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पूर्व में राम जन्मभूमि एवं राम सेतु के पैरोकार रह चुके हैं। बीकानेर लोकसभा सीट को अर्जुन राम मेघवाल का गढ़ कहा जाता है। वो यहां से लगातार साल 2009 से जीत रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रेवत राम पवार को हराकर वो बीकानेर से सांसद बने थे। इसके बाद उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को बरकरार रखा। मोदी कैबिनेट में कानून एवं न्याय मंत्री का पद संभाल चुके केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएस की नौकरी छोड़ सत्ता का रास्ता चुना था। दरअसल उन्हें साल 1994 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया था। फिर अपने बेहतरीन काम के चलते वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और फिर ईडीएम, आईएएस और जिला कलेक्टर भी हुए। जिला कलेक्टर के पद से रिटायरमेंट के बाद वो राजनीति में आए और बीजेपी में शामिल हो गए। अजमेर से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए भागीरथ चौधरी का मोदी कैबिनेट में शामिल होना काफी चौंकाने वाला है। वो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। भागीरथ चौधरी की अजमेर सीट पर काफी समय से अच्छी पकड़ रही है। वो साल 2003 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद साल 2013 में वो फिर से विधायक चुने गए। साथ ही उन्होंने 2015-16 और 2016-17 तक पर्यावरण मंत्री के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली, जिसके बाद पार्टी ने भागीरथ चौधरी को साल 2019 में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा और वो यहां से जीते भी। हालांकि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।